यस फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने लेबर टर्नओवर के कंसेप्ट्स को, कैलकुलेशंस को सीखा। अब इसकी कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझते हैं। जैसे कि इसमें एक आया है कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर, क्या कारण है कंपनी में लेबर टर्नओवर होता है। सो द रीजन फॉर एम्प्लॉय टर्नओवर बी क्लासिफाइड अंडर थ्री कैटेगरीज, नंबर पर्सनल कॉजेज, नंबर टू अनअवॉइडेबल कॉजेज और नंबर थ्री अवॉइडेबल कॉजेज। पर्सनल कॉजेज में क्या होता है, चेंज फॉर बेटर बेटरमेंट, इसका मतलब सैलरी बढ़ रही है चेंज कर लिया। दूसरा किसी की हेल्थ इश्यू है तो भी वो कंपनी छोड़ देता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनअवॉइडेबल कॉजेज। चलिए इसी में पर्सनल कॉजेज में डोमेस्टिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, डिसकंटेंटमेंट ओवर जॉब एंड वर्किंग एनवायरनमेंट। अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल कॉजेज आर दोज विच अंडर इट बिकम्स ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टू आस्क वन और मोर ऑफ द एम्प्लॉयज टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। उसमें कंपनी ही कहती है कि भैया नौकरी छोड़ के चले जाओ। जैसे कि एक तो सीजनल नेचर होता है, जैसे कि आप शुगर केन में देखते होंगे, तो जब शुगर मतलब शुगर केन होता है शुगर फैक्ट्री में, तभी आपका प्रोडक्शन होता है। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, बिजली नहीं है या मार्केट स्लो चल रही है, प्लांट की लोकेशन चेंज हो रही है, सपोज कर लीजिए नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है प्लांट, अब जो लोग उनको छोड़ना है छोड़ सकते हैं। डिसेबिलिटी मेकिंग अ वर्कर अनफिट फॉर वर्क, कोई बंदे के हाथ पैर में चोट लग गई है अब उसे छोड़ना ही पड़ेगा। डिसिप्लिनरी मेजर, निकाल दिया किसी को। और मैरिज भी जनरली वुमेन के केस में मैरिज के भी हैं जहाँ पर वो छोड़ देते हैं। फिर आते हैं हमारे अवॉइडेबल कॉज, क्या क्या अवॉइडेबल हैं। अवॉइडेबल का मतलब है एनवायरनमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, सैलरी नहीं है, टाइमिंग ठीक नहीं है, तो ये कंपनी चाहे तो इन्हें ठीक कर सकती है, ठीक है। स्ट्रेंड रिलेशनशिप विद द मैनेजमेंट, जो आपके टॉप मैनेजमेंट है या जो आपके इमीडिएट बॉस हैं उससे आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, रिक्रिएशनल फैसिलिटी या मेडिकल फैसिलिटीज़ कंपनी में ठीक नहीं है, वेजेज अलाउंसेस कम है, तो ये कंपनी चाहे तो इनको ठीक कर सकती है और इससे लेबर टर्नओवर कम हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। अगर आपके लेबर टर्नओवर इफेक्ट होंगे, तो आपको पता है इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आएगा। जैसे हाई एम्प्लॉई टर्नओवर इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जब आपका नए बंदे आएंगे तो वो इतनी जल्दी एफिशिएंट नहीं होते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, एक होती है प्रिवेंटिव कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट में हम एम्प्लॉयज को मेडिकल बेनिफिट देते हैं, उनको पेंशन स्कीम देते हैं और उनको और भी बेनिफिट देते हैं जिससे वो रुक जाए। रिप्लेसमेंट कॉस्ट में जो कब एम्प्लॉय होता है वो आपकी उसे आप अपॉइंट करते हैं, उसकी ट्रेनिंग देते हैं और जो बंदा जाता है उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स या जो भी हैं वो देते हैं, तो ये आपकी सारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। थैंक यू।